अब बात करेंगे उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली पश्चिम के कोरा केंद्रीय मैदान की, जहां खादी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। ये आयोजन अथर्वा स्कूल फैशन व आर्ट्स और मुंबई खादी विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन ट्रस्ट की तरफ से किया गया, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। दरअसल खादी महोत्सव की कल्पना अथर्वा फाउंडेशन के अध्यक्ष और बोरीवली के विधायक सुनील राणे की है। खादी महोत्सव में भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए 10 डिजाइनर यहां स्थानीय फैशन परिधानों पर काम कर रहे हैं। इस खादी महोत्सव के डिजाइनर विभिन्न भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का एक अनूठा उत्सव और प्रदर्शन करेंगे। खादी और फैशन से जुड़ी विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए यहां 90 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। ये सभी स्टॉल देश के अलग अलग राज्यों से हैं, जिनको सारी सुविधाएं यहां निःशुल्क रूप में दी गई हैं। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के पूर्व खादी को सामाजिक परिवर्तन का एक उपकरण माना जाता था, और आज के आधुनिक समय में खादी लचीलापन, पुनरुत्थान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की मामूली पोशाक के कारण आज खादी फैशन का प्रतीक माना जाता है। खादी महोत्सव 2022 के आयोजन के बारे में बीजेपी विधायक सुनील राणे ने कहा कि इस आयोजन का मकसद खादी उद्योग और हाथ से बुने हुए कपड़ों को बढ़ावा देना है और स्थानीय फैशन डिजाइनरों को मुख्य धारा में लाना है। इसके अलावा इस खादी फैशन शो के माध्यम से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुनील राणे ने अपनी बात रखी। खादी की आधुनिकता हमारी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करता है, ऐसा कहना सुनील राणे का है। इस मौके पर उत्तर मुंबई के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी और भारतीय जनता पार्टी के बोरीवली विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील राणे, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट अथर्वा फाउंडेशन की तमाम लोग मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे। आपको बता दें कि समय समय पर अथर्वा फाउंडेशन की ओर से जनहित के कामों को बखूबी अंजाम दिया जाता है, और इसी कड़ी में इस समय यहां खादी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। देखिए, खादी को हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत जोर से प्रमोट कर रहे हैं, और जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो खादी का सेल कितना बड़ा है वो हम सबको पता है, लेकिन मोदी जी उससे अभी भी संतुष्ट नहीं है। इसको और हमको आगे ले जाना है, इसलिए इस प्रकार के जगह जगह पर एग्जीबिशन के माध्यम से लोगों को खादी के प्रति आकर्षित करने का प्रयास हो रहा है। हमारे बोरीवली के विधायक सुनील राणे जी ने इसका आयोजन किया और बहुत ही अच्छे ढंग से इसका आयोजन हुआ है। जो स्टॉल धारक है उनका कभी कभी धंधा होता नहीं तो उनको घर के पैसे लगाने पड़ते हैं, तो किसी भी स्टॉल के पास से एक रुपया भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा, इस प्रकार का एक व्यवस्था हुआ है। दूसरा, एक केंद्र सरकार की ओर से ये हमने बदलाव किया है। इन दिनों में 4,000 रुपया ट्रैवलिंग का और रोज़ का 500 रुपया देने का एक रूल में बदली किया है। इसको कायदा नहीं होता, ये रूल होता है, रूल में बदलाव किया है, लेकिन ये भी आने वाले दिनों में थोड़ा ज़्यादा मिले उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो तो हम करेंगे। कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के अनुसार और उनकी प्रेरणा से शुरुआत हुआ है, जिसका उद्घाटन हमारे उत्तर मुंबई के सांसद सम्माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी के करकमलों द्वारा आज हुआ है। हम सब जानते हैं कि खादी ये भारत की संस्कृति और परंपरा को उजागर करने वाला एक क्षेत्र था। स्वतंत्रता के संग्राम में स्वतंत्रता के सेनानियों ने खादी की परिभाषा तभी भी हमारे सामने रखी थी, बहुत सहजता से, सरलता से और सीधे तरीके से, सहजता से पहनने वाला ये हमारा खादी के पहराव हुआ करते थे। और आज की पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ये खादी, इसकी पहचान हो, इसका प्रचार हो, इसका प्रसार हो, इसके लिए खादी महोत्सव का आयोजन हमने बोरीवली में किया है। मैं मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के पश्चात पूरे भारत भर में आज की जो युवा पीढ़ी है, जो फैशन के कॉलेज में जाती है, उनको खादी से लगाव हो, जो खादी के माध्यम से नए उत्पादन बने, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट आज इंतज़ार करती है कि भारत से ऐसे उत्पादन आए और भारत एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार पेट बने। जहां पर मोदी जी ने ये भी कहा कि पिछले 2 साल में लगातार कपड़ा उद्योग में भारी मात्रा में तेजी आई और खादी भी उसमें बढ़ोतरी करते करते उसमें करीबन